हिंदी की सुपरिचित रचनाकार गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित खाली जगह गीतांजलि के पूर्व प्रकाशित उपन्यास हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक लेखक रविंद्र त्रिपाठी की रेत समाधि को लेकर उनसे की गई यह बातचीत बुकर मिलने से पूर्व की है। हंस के अप्रैल अंक में यह बातचीत प्रकाशित है। नमस्कार गीतांजलि जी, आज आपसे हम आपकी रचनाओं पर मुख्य रूप से रेत समाधि पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आमतौर पर जो एक चूँकि यह पाठकों के लिए है पोएम हमारी वार्ता, तो उनको भी चीज़ों को समझने में और आसानी हो, तो जो आपका उपन्यास है रेत समाधि, ये मुख्य रूप से मुझे लगता है कि इसके दो अवयव हैं। एक तो इसमें माँ और बेटी का एक रिश्ता है, जिसकी जो है खोज भी है, अन्वेषण भी है, उनकी कहानी भी है। और दूसरा इसमें जो है वो भारत का विभाजन भी कर सकते हैं, या सरहद निर्माण की जो प्रक्रिया है, सरहद से किस तरह की समस्याएं होती हैं, हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। भारत पाकिस्तान वाला तो प्रसंग तो सिर्फ एक माध्यम है, वो पूरी दुनिया में सरहद की वजह से जो चीज़ें मानवीय संबंध में जो पैदा होती हैं, उसकी का भी इसमें अन्वेषण है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो माँ और बेटी का जो विषय है, ये आपके पहले उपन्यास में भी माई में भी रहा है, यहाँ ये और ज़्यादा इसको कहते हैं और विस्तृत हुआ है, डाइवर्सिफाई हुआ है उसमें। तो ये जो एक क्या आपके उपन्यासों का या आपकी जो सृजनात्मकता है उसका एक जिसको कहते हैं कि एक बुनियादी चीज़ है जिसके माध्यम से चीज़ें लगातार आप अन्वेषित करती रहती हैं इस संबंध को। नमस्कार रविंद्र, आपको भी। और देखिए, कोशिश करती हूँ ये चीज़ें मेरे जहन में बहुत तरतीब से नहीं बैठी हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि बातचीत में कुछ स्पष्ट कर पाऊँ। पहली चीज़ जो मेरे मन में आ रही है वो ये है कि सिर्फ बेटी और माँ का मत इसको आप सिर्फ उस पर जोर ना दें, क्योंकि बेटे और माँ का भी है इसमें। और जो पहला जो इसका सेक्शन है पीठ, तो उसमें तो वो बेटे के ही घर पे हैं और माँ और बेटे का भी है और बेटे के बाकी परिवार से भी जुड़ता है। फिर माँ और बेटी का शायद बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे संबंध एक तरह से बिल्कुल उलट जाता है, वो इक्वेशन एकदम बदल जाता है, माँ एक तरह से बेटी हो जाती है और बेटी माँ हो जाती है, तो उसमें कोई और चीज़ हो जाती है और बहुत सी और ध्वनियाँ प्रतिध्वनियाँ उसमें पैदा होती हैं, शायद नई औरत को लेकर और औरत की इच्छाओं को लेकर। तो इन सब चीज़ों की वजह से शायद वो बातें काफ़ी पाठक के मन पर हावी होती हैं, पर मैं समझती हूँ कि माँ और बेटे का भी इसमें बहुत ही मार्मिक कहानी है, उन दोनों की भी बहुत ही मार्मिक कहानी नहीं है। वो है, वो तो देखिए परिवार का वृतांत भी है ये। हाँ, परिवार का वृतांत भी है, लेकिन अंततः जो उपन्यास जहाँ से उठान जो जहाँ से आगे बढ़ता है, वो जब एक ऐसी माँ जो कहीं चली गई थी या जाने की जहाँ उसकी इच्छा थी, वहाँ से लौट करके वो बेटी के यहाँ आती है, जो बेटी एक तरीके से जो हमारे पारंपरिक मूल्य रहे हैं परिवार के, उससे थोड़ी अलग है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, हालांकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है, लेकिन यह वहाँ से जो मुझे लगा पढ़ते हुए कि एक बेटी और माँ के संबंधों में जो बदलाव भी आते हैं, क्योंकि हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं कहीं भी, उसमें बदलाव भी आते रहते हैं, और एक जो पेट्रियार्की का जो की जो समस्या है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपके उपन्यास में है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि इस उपन्यास में माँ और बेटी का जो वृतांत है या जो अंतः संबंध है, उसको आपने ज़्यादा विस्तार से और
काव्यात्मकता के साथ पकड़ा है। काव्यात्मकता पर तो मैं बाद में आऊँगा, पर मुझे ऐसा जो प्रतीत हुआ कि एक बेटी अपनी माँ की कहानी कह रही है इसमें, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो। यहाँ से मुझे लगता है कि एक उपन्यास का एक एक डिपार्चर पॉइंट शुरू होता है जो पुराने जो यथार्थवादी शैली के जो उपन्यास की परंपरा रही है उससे अलग है, इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। आप कुछ भी कहें रविंद्र, मैं आपकी बात मान रही हूँ, और ये मान रही हूँ कि कुछ आप जो कह रहे हैं कि उठान वहाँ से है और नई चीज़ें वहाँ पर कुछ हो जाती हैं, तो उस लिहाज से उपन्यास का कोई बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें फिर वहाँ से अंकित होने लगती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, और इसलिए कहूँगी कि आपने पेट्रियार्की कहा, पुरुष सत्ता की बात करी, तो वो है इसमें, लेकिन उसके भीतर भी बेटे कितने दूसरे किस्म के हो सकते हैं, एक स्टीरियोटाइप से अलग हो सकते हैं, वो भी है कि ये ऊपर का एक मुलम्मा बहुतों पे चढ़ा होता है, उनको एक तरीका, एक रंग ढंग, उनको सदियों से पुरुष प्रधान समाज जो है वो देते रहे हैं कि इस लिबास में तुमको प्रकट होना है, इस लिबास में तुमको जीवन बरतना है, तो वो करते हैं। लेकिन उसके भीतर जो इसके इसमें जो बेटे हैं वो तो बहुत ही मार्मिक किस्म के हैं, बहुत ही नर्म किस्म के हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कोई एक अलग चीज़ पर थोड़ा सा इशारा किया गया है, और जो उनका उनकी जो प्रतिक्रिया होती है जब ये बेटी के यहाँ चली जाती है, जो वो कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखी भी हो जाते हैं, बहुत अपने को महरूम पाते हैं कि घर में कोई कमी हो गई है, और फिर वो जो कुछ अपने से ही अपने को ही धोखा देते हुए उस घर के सामने से जाते हैं ताकि देख पाएँ कि माँ कैसी है, अंदर नहीं जा सकते अपने जो वही मुलम्मे की वजह से कि भाई इसके यहाँ नहीं हमको जाना है, या हमको माँ से ऐसे खुल के नहीं कहना है कि बस हो गया अब चलो, लेकिन इतनी ज़्यादा उनके अंदर माँ को लेकर कोई बेचैनी है, कोई और वो बच्चे वाले जो एक मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरफ बाहें खोले खड़ा है, वो जो चीज़, वो जो छवि है उनकी, मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई और चीज़ बेटे को लेकर भी होती है, और जो साड़ी का प्रसंग जो आपने कभी लिखा भी था उस पर आपको बहुत पसंद आया था, तो वो इस बेटे नहीं, वो साड़ी वाला प्रसंग भी मैं चूंकि आगे पूछता मैं अभी पूछ लेता हूं। तो मैं नहीं पूछ तो लीजिएगा, पर मैं कह रही हूँ कि इसलिए मुझे लगता है कि बेटे को मैं ख़ास तौर से शायद ये बात मेरे लिए बनती चली गई थी कि हमें ख़ास तरह से बाहरी ऊपरी रूप को और बाहरी रंग ढंग को देखते हैं, और उसके भीतर क्या अलग अलग चीज़ें हैं उस पर इतने हम तवज्जो नहीं देते हैं, और यहाँ पर बेटे को लेकर भी कुछ थोड़ी सी अलग चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मेरे लिए बेटे और माँ वाला हिस्सा भी एक शायद थोड़ी अलग दिशा रखता है, और बेटी वाला तो बहुत ही बड़े ढंग से रखता है, ज़रूर वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक और चीज़ है जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर जो बड़ा रोजी जो रोजी मास्टर भी उसको दोनों रूप में है, वो ये आपको कहाँ से, आपने ये सुचिंतित था, प्रक्रिया में होता गया, या ये कैसे हुआ कि एक जो ट्रांसजेंडर है उस परिवार में आकर के इतना बड़ा बन सक इतना बड़ा उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफॉर्म कर देता है दूसरे व्यक्ति को, माँ को भी ट्रांसफॉर्म करता है वो ट्रांसजेंडर। रविंद्र, आपने कहा कि ये क्या पहले से आपने तय किया था या बस लिखने की प्रक्रिया में आया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी, शायद मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं लिखी है, कोई मेरी ऐसी कृति नहीं है जिसमें मैंने पहले से कोई एक तय करा है कि इसमें ये लाना है, ऐसे ऐसे करना है। कुछ एक बड़ा खाका हो सकता है, जैसे हमारा शहर उस बरस जो मैंने लिखा था, तो उसमें एक बड़ा खाका ज़रूर था कि भाई अभी तक हम समझते थे कि सांप्रदायिकता जो है वो पुराने शहर की बात होती है, जहाँ पर
जिनको हम समझते हैं कि वो निचले वर्गों के हैं और उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कि वहाँ पर है कट्टर लोग हैं, और हम अपने को समझते हैं कि हम तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग वाले यूनिवर्सिटी वाले, कि हमारे में वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो चीज़ परेशान करती है कि ये इस तरह का हमने कैसे ये इस तरह से बांट दिया, ऐसा नहीं है। और वो पूरा उपन्यास इस चीज़ के बारे में था कि हम समझ रहे हैं कि पुराने शहर में सब हो रहा है, लेकिन वो तो पुराना शहर ही धीरे धीरे हमारी रगों के नीचे ही, पुराना शहर ही अब उछल रहा है, डांटे मार रहा है। तो उसमें मैं कहूँगी शायद सबसे ज़्यादा, आज तक मेरी किसी भी कृति को आप उठाएं तो उसमें शायद एक पूरा खाका फिर भी था मेरे मन में। वो भी नहीं मुझे पहले से मालूम था कि कहानी जैसी भी मेरी कहानी होती है, लोग कहते हैं कि उस तरह से कहानी नहीं है, लेकिन कहानी वही नहीं होती है जिसमें बाहरी घटनाएं होती है, भीतर की घटनाओं को लोग समझते नहीं हैं कि वो भी कहानी का ही क्रम होता है। तो वो अकेला उपन्यास है या अकेली कृति है जिसमें कि एक थोड़ा एक जनरल सा खाका मेरे मन में था कि मुझे ये बात कहनी है कि पढ़े लिखे अपने को अलग कैसे समझ रहे हैं, और उनके भीतर जो पूर्वग्रह है, उनके जाने अनजाने चल रहे हैं, हम मुझे उन चीज़ों को भी सामने लाना है। तो अकेली कृति ऐसी, वरना मुझे कृतियों में पहले से कोई ऐसा तय नहीं होता है कि ये कहाँ जाएगी, ये हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे तक ले जाएगी, ये तक मुझको नहीं पहले मालूम था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं था। अब मेरे मन में कहाँ से आती हैं चीज़ें, मतलब मुझे अब कृष्णा जी हम याद आ रही हैं इस समय, और कृष्णा जी मुझे बहुत याद आती हैं। तो कृष्णा जी ने कभी कहा था कि मेरे सामने कोई उनसे पूछ रहा था, उसने पूछा कि अच्छा जब आप लिखने बैठती हैं तो क्या आपको मालूम होता है कि इसका आगे ये कहाँ जाएगा और अंत क्या होगा? तो वो हंसी और उन्होंने कहा फिर लिखने का मज़ा ही क्या है। तो मुझे वो बात बहुत समझ में आती है, क्योंकि अगर आपको पहले से सब पता है कि ये दिशाएं देनी है, तो अपने आप उसमें एक तरह का वही कृत्रिम एक उसका अंदाज हो जाएगा, और मैं उससे उसमें बिल्कुल नहीं हंसना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति में इसका टेक ऑफ क्या था, इस उपन्यास का अपने शुरू कहाँ से? तो टेक ऑफ कहाँ से होता है और क्यों होता है? अब इसमें कोई कहे कि बिल्कुल ही ये तो एकदम ही अराजक सी बात हो गई कि बस अचानक आपने कुछ उठा कर लिया, तो मुझे नहीं लगता ऐसा अराजक होता है। अगर आप इतने सालों से आप लिख रहे हैं, या आप जब आपने शुरू भी किया है लिखना, तो उस समय भी आपका जो आपके भीतर एक तैयारी चलती रहती है, आप दुनिया से जिस तरह से संवाद करते हैं और या जिस तरह से आप संबंध बनाते हैं अपने चारों ओर को, जिस तरह से देखते हैं, वो सब आपके भीतर चलता रहता है। तो एक घूमड़ चलती रहती है। तो ये कि अगर फिर से बहुत ही मोटे मोटे लफ्ज़ों में कहूँ तो भाई ये हिंदू मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, या औरतों के साथ क्या हो रहा है, या बूढ़ों के साथ क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें तो मेरे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। तो कहाँ से ये चीज़, फिर कौन सी चीज़ पर किस, मतलब आप कलम आपका तैयार है और पन्ना आपका, खाली पन्ना आपके सामने तैयार है, तो किस वक्त आपको लगता है कि उठाकर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ? वो कोई भी एक चीज़ हो सकती है जो आपको छिड़ देगी। इसमें मुझको थोड़ा सा मैंने कहा कयास लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझको समझाना पड़ेगा कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है वगैरह। तो मैं कयास लगाकर आपको बता रही हूँ कि शायद जिस छवि ने मुझे शुरू में बहुत प्रेरित किया, या शायद जो बहुत ही स्पष्ट तरह से मेरे मन में अंकित हो गई और मुझे लगा कि क्या है, वो थी एक बूढ़ी औरत की छवि जो बीमार नहीं है पर बिस्तर में अब पड़ी रहती है, और उसने वो पीठ करे रहती है सबकी तरह। तो उसकी पीठ मेरे लिए, मतलब ये बात कहाँ से आई, मेरी माँ भी हैं और बूढ़े लोग भी हैं, सुधीर की अम्मा भी उस समय थी, और भी मतलब मैं बहुत से अपने ये जो संयुक्त परिवार के
उसमें सोच सकती हूँ जो बूढ़ी औरतें कि बस पड़ी हुई हैं बिस्तर में, हमारे मित्र सुरेश की अम्मा वो बस पड़ी हुई हैं बिस्तर में एक तरह से, जैसे कि अब ज़िंदगी से बेजार हैं। और कैसी हैं माँ जी? तो बस ठीक हैं, तो उठिए ना बाहर चलिए, तो नहीं बस हम यहीं हैं। तो उनके घर वाले भी शिकायत करते, उठती नहीं है, पड़ी रहती हैं। तो ये चीज़ कुछ इतनी चारों ओर थी कि वो पीठ मेरे लिए धीरे धीरे करके और गाढ़ी होती चली गई कि एक बूढ़ी औरत वो पीठ करे पड़ी है और बाकी परिवार जो है वो आता है और चाहता है कि अम्मा जो हैं वो जीवन में उनके अंदर उल्लास हो। वो क्यों ऐसे रहती हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, बचा बस मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो आते हैं तो उनको आते सुनती हैं तो और उन्हें कोफ्त होती है कि फिर शुरू करेंगे कि उठो उठो, तो वो और भी ज़्यादा पीट कर लेती हैं। तो ये मुझे धीरे धीरे शायद ये कहानी मेरे मन में बनने लगी कि ये उनकी तरफ पीट किए हुए हैं या जीवन की तरफ पीट किए हुए हैं। और ये जो दीवार में घुस रही हैं इसलिए घुस रही हैं कि जैसे लगता है कि अब तो पीट करके एकदम दीवार से सट जाती हैं, नहीं मुझे नहीं उठना। तो ये बनता चला गया मेरे अंदर एक छोटी सी कहानी। तो ये कि दीवार में ये अपने को ज़िंदा दफन करने के लिए घुस जाना चाहती हैं कि बस अब हो गया यार, तंग मत करो, हो गया मेरा जीवन, अब मर जाने दो, इसलिए घुसना चाह रही है। या वो दीवार में छेद करके दूसरी तरफ निकल जाना चाह रही है और एक नए जीवन में फिर से जीवन में चली जाना चाहती हैं इन सब के बिना। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर चल गई और शायद मैंने अपना पहला ड्राफ्ट बस इसी से शुरू किया कि वो कह रही है नहीं मैं नहीं उठूँगी, शायद वो उसके बिल्कुल शुरुआती ड्राफ्ट का ही कि नहीं मैं नहीं उठूँगी वो नई होता चला गया। तो ये बहुत ही कहिए कि सहज तरह से मेरे अपने लिखने में ये आ गया कि वो ये नहीं कह रही हैं कि नहीं उठेंगे, या उसके साथ साथ उनके अंदर एक दूसरी चीज़ भी हो रही है कि मैं नई उठूंगी। वो कहानी यहाँ से नहीं और नई में, हाँ बिल्कुल, मैं तो वो खेल फर्क हाँ। तो ये यहाँ से बात शुरू हुई। तो अब ये लिखने की प्रक्रिया में होता ये चला गया कि ये फिर कह रही हूँ कयास लगा के बताना पड़ रहा है कि ये जो चरित्र है जब ये अपने को बिल्कुल नए सिरे से अपने को फिर से पुनः रचना कह लीजिए या अपने जीवन को फिर से वो बना रही हैं या अपने जीवन को नए सिरे से फिर समझ रही हैं, देख रही हैं, ऐसा वो कर रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगी, क्या सोचेंगी, क्या नहीं सोचेंगी। और मुझे लगा कि वो होते 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 बिल्कुल एक नेचुरल तरह से, ये नहीं कि एक दिन एक बुलंद आवाज़ या आकाशवाणी हुई कि नहीं वो तो कुछ भी कर सकती है, पर धीरे धीरे कि भाई उसको क्या, एक तो अब वो बूढ़ी है उस पर उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अब आप जब बूढ़े हो गए हैं तो आपको जो मन में आए, आपके जो उतने सारे आप पर बंदिशें, तो जवानी में ज़्यादा आपको अपनी बंदिशों का एहसास भी होता है और घबराहट भी होती है उस पर, आप परेशान भी होते हैं, लेकिन बुढ़ापा भी आपको थोड़ा फ्री कर देती है। तो वो एक तो धीरे धीरे मतलब उसको उसके अंदर जो सबसे जो गुण सबसे ज़्यादा उसमें पनपने लगा था वो था आज़ादी का, कि मतलब जो मैं चाहूँ जिस तरह से मैं चाहूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मेरे पे कोई रोक नहीं है। तो ये आज़ादी की जब बात आ गई तो वो कहीं ना कहीं लेखक को भी प्रेरित करने लगी कि कोई क्यों बताए कि अगर आप ऐसा एक पात्र बना रहे हैं और आपने ये चीज़ शुरू करी है तो उसको आपको किसी एक ऐसे कंक्लूजन पे लाना है। भाई आप क्यों बताएं, नहीं कंक्लूजन कहाँ होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी वो छूट जाता है बीच में ही, तो बीच में छूट रहा है तो हम बीच में ही छोड़ देंगे। तो वो आज़ादी धीरे धीरे इस उपन्यास का आप समझिए कि चरित्र बनता चला गया। तो चाहे वो औरत ये वाली किरदार है
उसके उसकी इच्छाएं जो कुछ करने लगती है, अपने बॉडी से अपने शरीर से वो फिर से जुड़ने लगती है, जिस तरह से कि एक कोई नई बाला और नई नई बड़ी होती लड़की जुड़ेगी, जिसमें कि एक मर्म भी हो सकता है पर एक मजाक भी है कि आप अगर जब आप 80 को छूने जा रहे हैं उस समय अपने आप शरीर से जुड़ेंगे तो आपको तो झोल और मस्से और तिल और यही सब और झाइयाँ यही मिलेंगी, उस नई लड़की की तरह आपकी नई नई एक औरत का बदन आपके सामने खिल रहा है, ये सब मज़े तो नहीं है ये दूसरे, लेकिन मज़ा ये भी क्यों ना हो, इस पर भी मज़ा क्यों ना लें कि भाई हमारे ये मस्सा ये तो बड़ा हो गया है और ये इसको हम गायब कर देना चाहते हैं, इसका रंग हम झाइयाँ मिटा देना चाहते हैं, भाई क्या हमारा जीवन ख़त्म हो गया, अगर हम जब तक नहीं मरे हैं तब तक हमारा है जीवन। तो ये चीज़ मुझे आगे बढ़ाती चली गई कि कोई नहीं अब कहेगा कि मुझे नहीं कोई बताएगा कि अच्छा उपन्यास का ढांचा ये होता है या किरदार बनाने का तरीका ये होता है या कोई और घटना अगर बतानी है तो ऐसे, या अगर आपको दो लोगों के बीच कुछ बताना है तो आपको डायलॉग्स डालने हैं और ये करना है वो करना है, कोई क्यों बताए, पर मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ जाता है कि कैसे कैसे बात बनती है, तो उसमें अपने आप और ये यही मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए कुछ आप मतलब जो लेखक है वो कुछ सोच के उसने शुरू किया या किसी एक चीज़ पे टिकी, किसी एक बिंदु ने उसको शुरू करा दिया और लग सकता है कि भाई उस लेखक सारा निर्देशन कर रही है, लेकिन जो चीज़ का अपना स्वर है और वो स्वर बने तभी मतलब कि चीज़ अब चल निकलेगी, जब उसका स्वर आ गया, जब उसका अपना चरित्र बनने लगा तो फिर वो लेखक को बताने लगती है कि अब हमें इधर जाना है उधर जाना है और लेखक को उसके संग चलना पड़ता है। तो मेरे लिए ये खुद एक बात बनती चली गई कि अब इधर जाएंगे अब इधर जाएंगे, अब ये निकल तो गई, वो तो चली खो गई बेचारी, लेकिन अब ये उसमें नहीं लौटना चाहती हैं तो निकल गए, तो वो कहाँ अब वो दूसरी तरह की ज़िंदगी में जाना चाहती हैं, तो वो बेटी के पास चली गई और वहाँ के लोगों से उनके दूसरी तरह के रिश्ते बनने लगे, तो अब इसमें उनके नए दोस्त बनने लगे, अब ये कहाँ से एक थर्ड जेंडर कहाँ से इसमें आ गए, अब ये मैं आपको मतलब मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, अब तो इतनी छोटी ज़िंदगी भी नहीं रही है, अब तो बहुत साल हो गए, मैंने भी देखे हैं तरह तरह की चीज़ें, तो अब ये मैं आपको बताऊं कि मेरे माँ के पास, मेरी माँ यहाँ मेरे बड़े भाई उसमें थे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो अगर आपको मालूम है हडको प्लेस है जो आंसर प्लाजा के पास, वहाँ मेरी माँ रहती थी भाई के साथ, तो वहाँ एक ये थर्ड जेंडर, उसका नाम मैं बिल्कुल मुझे याद नहीं है, और वो कोई हम लोगों के लिए कोई वो बड़ा चरित्र नहीं था, पर वो आती थी माँ से हमारे ज़रूर मिलती थी, और शायद मैं उससे सिर्फ एक बार मिली थी, तो मैं जब बाहर कभी मैं आई थी और मैं जा रही थी, तो मैं टैक्सी थी या जो भी थी मैं उसमें बैठने जा रही थी और माँ बाहर आई थी मुझे विदा करने, तो उस वक्त वो आई, बुआ उनको कहते थे, तो मम्मी ने कहा कि बुआ ये मेरी मंझली बेटी है, तो बुआ ने मेरे सर पे हाथ रखा, बस इतना हुआ था, लेकिन माँ के पास वो हमेशा हर उस पे आती थी, कोई भी हाँ हर उस पे आती थी और माँ उनको खाना वाना खिलाती थी, और भाई के घर में वाकई वो घर के अंदर उनको नहीं आने की छूट थी, तो लेकिन लॉन वॉन था तो सरकारी कोठी तो नहीं खैर पर फ्लैट्स हैं, लेकिन हाँ अच्छे तो अच्छा सा, तो एक लॉन था, तो लॉन में मम्मी बैठती थी और ये बुआ वहाँ आती थी, तो उनको जो भी थोड़ा नाश्ता चाय खिलाना थोड़ी बातें करना और उनको पर वो जी रोजी का जो कैरेक्टर है उसको भी आपने दो भागों में व्यक्त, मैं कहूँगा इसलिए भी कहूँगा कि उधर असल ट्रांसजेंडर में शायद वो है भी चीजें कि दोनों चीजें मौजूद रहती हैं, हाँ तो ये लेकिन भी वो पुरुष के रूप में भी है और महिला के रूप में तो भी ये है। ये भी इसी कि आज़ादी हमको किधर किधर ले जाती है, तो अगर हम दोनों बन सकते हैं और इसको अगर आप मतलब
और भी ज़्यादा इसकी फिलॉसफी में उतरिए, तो अगर हम लोग भी अपने अंदर औरत और मर्द दोनों का जज्बा अगर और हम भी जगा सकते हैं, मतलब तो सिर्फ शरीर की बात नहीं है, तो हम भी शायद और कुछ हमारा भी संसार और बढ़ेगा, हमारा मानसिक संसार और सब कुछ। तो ये तो एक तरह से ये भी बनती चली गई, और ये तो जिस तरह की वो थी या जो उसकी आप कहिए कि उसकी पहचान और आइडेंटिटी है, उसमें तो ये सहूलियत उसको थी कि वो दोनों बने। क्योंकि अच्छा कहाँ हैं ये भी सवाल उठता था कि हम असल में कौन है और क्या है। तो इसीलिए ये जो रेगिस्तान और नज़र की बात कि भाई दूर है कि पास है, और ये छोटी सी उंगली है कि समुद्र में बड़ा सा चट्टान है, तो ये सब हम लोग मतलब एक माया लोक भी है। अब असल कहाँ है और नकल कहाँ है, ये हम लोग कैसे सच में जाने। क्योंकि हम तस्वीर भी अपनी अगर देख रहे हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ, दर्पण सब कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, पर दर्पण में भी तो हमें कभी मालूम नहीं कि असली तस्वीर क्या है। पर मैं अपना रंग ही नहीं जानती हूँ, अगर मैं अपना रंग जानना चाहती हूँ कि क्या है, तो वो किस तरह की धूप मुझ पे पड़ रही है वो मेरे रंग को निर्धारित कर रही है। तो मेरा असली रंग कौन सा है मुझे पता ही नहीं है, है ना। तो हर समय ही तो कोई और चीज़ों से जुड़कर कोई एक यथार्थ बन रहा है और बदलता हुआ यथार्थ बन रहा है। तो मेरी असली तस्वीर, मुझे ये शायद बचपन से ये चीज़ बहुत दिलचस्प लगती थी कि मैं पीछे से क्या देखती हूँ वो तो मुझे सिरे से नहीं मालूम है। तो वो जो औरतें करती हैं कि बन बन बना के ऐसे एक दूसरा शीशा लगाती हैं अपने को देखने को ठीक बना है कि नहीं, मेरी माँ करती थी, मुझको ये बहुत ही मज़ा भी देता था। और मैं धीरे धीरे मैं ये बात मेरे अंदर घर कर गई कि देखो हम तो पीछे से हमने अपने को देखा ही नहीं कि हम क्या दिख रहे हैं, हम चल रहे हैं तुम कैसे दिख रहे हैं। अब तो खैर शायद ये सब वीडियो वगैरह में आप देख लीजिए, हाँ कुछ तो चाल आपकी कैसी है, मतलब आप कहाँ अपने को देख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें आती चली गई कि असली कहाँ है और नकली कहाँ है। और अगर ट्रांसजेंडर है जिसको कि दुनिया वैसे ही असली नहीं मान रही है, तो उसको तो इसको आप उसके बहुत से उसके दुख हैं वो सब तो है ही, लेकिन उसको ये आज़ादी भी है कि वो आज औरत बनकर जाए और आज आदमी बनकर जाए। उसको आदमी होकर कहीं पे सहूलियत है तो वो आदमी होकर जाएगी, जहाँ पे ठीक कर देना माफ़ करेगा, मतलब तो बात कहीं से कहीं जा रही है। यही तो इस बातचीत का मजा। हाँ नहीं, मैं एक रेजिडेंसी में गई थी, एक लेखक रेजिडेंसी जर्मनी में, तो बहुत ही मतलब रेजिडेंसीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बस अफसोस ये होता है कि इतनी दूर कभी कभी जाना पड़ता है कुछ लिखने के लिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस तरह का एकांत मुझे आसानी से अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलता है। तो वहाँ पे बिल्कुल अकेले तीन चार लोग, दूसरे कोई फिल्म मेकर है किसी देश का, कोई कहीं का कोई है, और वो लोग सब अपने अपने काम में, तो हम लोग भूले भटके कभी शाम वाम को मिल लिए, वरना सब अपने काम में आप अकेले रह रहे हैं किसी पुरानी सी जगह में और बिल्कुल प्रकृति के बीच में। वहाँ एक कहाँ से आई थी वो, सर्बिया की, और वो लेखक नहीं थी, वो आर्टिस्ट थी। तो उसका अजीब तरह का आर्ट था, पर वो आर्ट करती थी, जिसमें उसको था कि थोड़ा सा उसके आर्ट के बारे में बता देती हूँ, आप चाहे बेशक उसको निकाल दीजिए। नहीं, क्यों निकालेंगे। हाँ नहीं, तो उसको ये था कि एक तो लोगों ने आर्ट जो हाई आर्ट मान लिया है ना, वही नहीं है। वो आ रही थी एक गरीब देश से, जो जिसमें लड़ाई तबाही हुई थी। तो उसने कहा कि मेरा बचपन तो ऐसा रहा है कि मैं हम लोग एक कमरे में, और मैं भूल गई कितने बच्चे और माता पिता, कि हम लोग एक कमरे में और एक छोटा सा बाथरूम उससे जुड़ा हुआ, हम उसमें पले बढ़े हैं। और वो कहती कि प्राइवेसी तो हम जानते ही नहीं होती क्या चीज़ है। तो मतलब यूरोप में कोई ऐसे बात कर रहा है जहाँ पर तो ये प्राइवेसी और स्पेस और क्या क्या ये सब होता रहता है, तो कह रही कि हमारे पास ये सब चीज़ें तो थी ही नहीं। और बाथरूम
एक अकेली सबसे प्राइवेट जगह हमको मिलती थी कि ज़रा देर के लिए बाथरूम में घुस लो, लेकिन वो भी इतनी प्राइवेट नहीं थी क्योंकि बिल्कुल मतलब जुड़ा हुआ था उससे। तो आप साथ जितने आवाज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बाहर, वो भी सबको सुन रहे हैं, तो हम इसमें पले बढ़े हैं। और ये वो ये सब इसलिए भी मुझे बता रही थी क्योंकि उसने जो वहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन तैयार किया, उसने एक स्पेस को बाथरूम बनाया। अच्छा। हाँ, तो बाथरूम बनाकर उसने जो कुछ भी अपने बनाए बनाया, जो कुछ भी लगाए, और बाथरूम में ही बाथरूम के ही जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको कुछ बैठने बैठने की जगह बनाई, तो उसमें लोग शायद एक वक्त में 4-5 ही लोग जा पाते थे, बाकी बाहर रहते थे इस तरह करके। तो आते तो वो बाथरूम के उस सब में बैठे हैं, एक ड्रिंक ले रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। तो वो इस तरह का कुछ काम करती थी कि भाई ये है हमारी असली ज़िंदगी और हमारे अनुभव ये हैं। तो उसने मुझे बताया, वो और वो थी इत्तेफाक से वो गे थी, लेस्बियन। अच्छा। थी, तो ये भी इस तरह की भी बातें उससे मुझे पता चल रही थी, हालांकि मैं तब तक लिख चुकी थी रेत समाधि, ये उसके बाद की बात है। बहरहाल, तो और उसने मुझे क्या बताया कि वो काम करती है कभी कभी प्रोफेशनली, जिसको कहते हैं, देखिए वो नाम मैं भूल रही हूँ, जिसमें ड्रैग, हाँ, ड्रैग क्वीन होते हैं। आपने शायद सुना हो, ड्रैग क्वीन होती हैं, जहाँ पर ये आदमी लोग औरत की तरह बनकर कुछ परफॉर्मेंस करते हैं, मंच पे खड़े होकर कोई शो करते हैं, और वो बहुत ही जैसे कि कुछ ज़्यादा ही मेकअप भी होता है, सब चीज़ बहुत ही मतलब लाउड होती है उसमें, तो ड्रैग क्वीन। तो ये ड्रैग क्वीन तो मैंने बहुत जाना था, उसने कहा मैं ड्रैग किंग का काम करती हूँ, और बोली कि कभी कभी डर लगता है क्योंकि मैं जहाँ जा कर वो कर रही हूँ उनको नहीं मालूम है कि मैं लड़की हूँ। तो बोली, और ऐसे वो थी हट्टी कट्टी और बाल छोटे थे, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी हट्टी कट्टी एक वर्कर आदमी लग सकती थी। तो उसने मुझे तस्वीरें भी दिखाई, तो बोली कि फिर उसके बाद जब हो जाता है तो वहाँ के लोगों के साथ हम लोग जाके बार में बैठते हैं वहाँ के आदमियों के साथ, और मैं भी जाके बैठती हूँ, और उस समय मैं आदमी होती हूँ और हम लोग सिगरेट पीते हैं और तो शराब पीते हैं, और बोलती मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी लगता है, तो कहीं इन्हें पता चला तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। और कहती कि तुम सोच नहीं सकती हो कि आदमी लोग अभी भी किस तरह बात करते हैं औरतों के बारे में। और अब तो वो मतलब सर्बिया से बाहर भी निकल के, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जर्मनी की थी, तो वहाँ जर्मनी बहुत आती थी, तो वो इस दुनिया को भी खूब जानती थी, जिसको हम समझते हैं कि बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई। तो कहती कि किस तरह से क्या नज़र है अभी, ये तुम सोच नहीं सकती। तो ड्रैग किंग वो बनती थी। तो ये सब चीज़ें मैं आप कह रही हूँ आपसे कि भाई मैंने भी अपनी ज़िंदगी में खूब इधर उधर से कुछ देखा है, और कहीं ना कहीं वो और एक जो यहाँ पर थी वो भी मैं कभी, क्या नाम था, मोना, शायद आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। हाँ, तो मोना से भी मैं एक बार मिली थी बहुत साल पहले, तो ये तो मुझे मालूम था कि ऐसे होते। और ये भी इसमें भी जो है ना, रुजी का मर्डर हो जाता है इसमें, तो सुपरनेस में, और वो भी जो पुलिस वाले का जो बर्ताव है उसमें, हाँ बिल्कुल, वो भी एक खास जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक पैट्रियार्किक सबका उसमें मिला जुला है, और बिल्कुल तिरस्कार उसका। हाँ, तो बिल्कुल, तो ये चीज़ें सब मतलब आपके पूरे जीवन भर की अनुभूतियाँ, आप जो चारों ओर देख रहे हैं, खुद आपने देखा है, कुछ सुना है, कुछ सब, वो सब कहीं ना कहीं जुड़ने लगती हैं जब आप अपने को छोड़ते हैं कि जाओ आने दो, जो बातें आ रही हैं याद करो। और देखिए, एक और चीज़ मैं बहुत बार मैं सोचती हूँ कि लेखन के बारे में सोचती हूँ कि असल में ये सब स्मृति संसार होता है। ये चीज़ मुझे इन दिनों खासकर काफ़ी परेशान कर रही है, कोविड के दिनों में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन पिछले, थोड़ी आपसे बात इस पर उस दिन हो भी रही थी, कि पिछले 2.5-3 साल से जिस तरह से दुनिया में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा कुछ बदलाव है, मतलब हम देख रहे थे उस तरफ जा रहा है, पर जिस तरह से और जिस तेज़ी से सब कुछ में एकदम उलट पलट गया है कि हमको मालूम ही नहीं कि आगे हम
कुछ बचा पाएंगे, कुछ फिर से दुनिया को बना पाएंगे, या कि हम बस अब जा ही रहे हैं कयामत की तरफ। तो ये मैं आपसे क्या, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि हम जब लिखते हैं तो हम स्मृतियों को जोड़ने लगते हैं, हम फौरन भी जो देख रहे हैं वो चीज़ हम कह तभी पाते हैं जब वो हमारी स्मृति का अंग बन जाती है। तो अभी जो हो रहा है वो कुछ इतना अलग है और ऐसा तूफानी है और इतना ज़्यादा उसमें कुछ ड्रामा है कि वो स्मृति बन ही नहीं पाया है। तो उसके बारे में मैं लिख नहीं सकती हूँ, उसके बारे में लिख नहीं सकती हूँ। और जो भी मैं लिख रही हूँ वो लगता है कि ऐसी दुनिया हो रही है, मतलब किस चीज़ से जोड़ा है। पर मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ कि स्मृति संसार, अब आपको मान लीजिए कि दुनिया अपनी जगह फिर भी ठीक ठाक है, तो आप जब लिखते हैं आप किसी स्मृति संसार को रचने लगते हैं, फिर आप उसी में विचरने लगते हैं कुछ वक्त के लिए, और आपको परेशानी नहीं होती कि ठीक है हम ये करेंगे और फिर लौटेंगे इस संसार में, फिर से फिर चीज़ें करेंगे और फिर कुछ स्मृतियों को जोड़ के फिर कुछ बनाएंगे। लेकिन इस समय की दुनिया में उससे अलग होना भी नामुमकिन लग रहा है, और उसको लेकर स्मृतियाँ इतनी तेज़ी से कुछ बनी नहीं रही है, तो हम पता ही नहीं अभी क्या हो रहा है। तो जो बना हुआ है, आपने मेरे नए उपन्यास के बारे में पूछा था, मुझे लगता है कि ये तो कहाँ हूँ मैं, क्या कुछ जोड़ नहीं बनता। तो आपने कुछ नए उपन्यास के बारे में बताइए, क्या अब क्या है उसकी विषय वस्तु क्या है क्या? वो मैं नहीं बताऊँगी। अच्छा। मैं इसलिए नहीं बताऊँगी कि फिर वही बात हो जाएगी कि आप एक तरह से उसको प्लॉट से बस जोड़ देते हैं, और शायद ये आप मानते हैं कि प्लॉट मेरे कृतियों में बस एक चीज़ होती है, पता नहीं वो रीढ़ की हड्डी भी होती है उसकी कि नहीं, पर वो सिर्फ एक चीज़ होती है वो, और उस प्लॉट के आगे पीछे इर्द गिर्द दूसरी इतनी चीज़ें आती जाती हैं और पूरा जीवन आता जाता है कि बात उसकी भी करनी बहुत ज़रूरी है और मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं उसको रिड्यूस नहीं कर देना चाहती हूँ कि बस उसके बाद। ये बताइए कि आप एलिमेंट ऑफ फेबल जिसको कहते हैं, वो भी कौतुक कथा जिसको मैं हिंदी में कहना चाहूँगा, जैसे इसमें जब बेटा अपनी माँ से मिलने जाता है जो उसकी बहन कहरा रही है, तो वो वहाँ एक लंबा सा कौवा प्रसंग है, कौवा और कौड़ियाँ को हैं, ये जो फेबल का एलिमेंट था ये भी आपका सहज प्रक्रिया में आ गई, या कहीं आपके अंदर सुचिंतता है कि एक फेबल का एलिमेंट आपके रचनाओं में हो या इस रचना में हो? सहज प्रक्रिया में सब आया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आया, सब सहज प्रक्रिया में आया, क्योंकि होते होते जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने को, मैंने भी अपने को जितना वो उसके जो किरदार बन रहे थे, जो स्थितियाँ पैदा हो रही थी, जितना वो आज़ादी लेने लगे थे, उतना ही उन्होंने मुझको भी आज़ादी की का महत्व जैसे मेरे आगे वो उन्होंने रख दिया, तो मैं भी अपने को आज़ाद छोड़े हुए थी। और फिर ये बात बनती चली गई अपने आप ही, बिल्कुल सहज तरह से, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिसमें सब कुछ बोलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, पर अपने आप ही वो चीज़ें होने लगीं कि सच तो ये है कि हमारे जीवन में सब कुछ कहानी है और हर चीज़ कहानी कहती है। जब ये बात मन में आती चली गई तो अपने आप जब दरवाजे पर पहुंची बेटी तो दरवाज़ा भी कुछ कहानी कह सकता है, दरवाज़ा भी जीवित हो गया। और बाद में वो जब लाहौर और उसकी लाहौर की सड़क, तो वो सड़क में भी कुछ है, सड़क ने भी बहुत देखा है, मतलब हर कोई तो कोई कहानी कह सकता है, हर चीज़ और हर जीव उसमें कहानी है और वो कहानी कह सकता है। और वो मेरा बनता चला गया मज़े मज़े में कि कहीं भी कोई भी कहानी उठा सकता है और कहानी कहे। और फिर जाहिर है उन चीज़ों से जुड़ा जो मेरी चिंता और मेरी दुनिया का हिस्सा है, तो पर्यावरण और कौओं को इस बात की परेशानी कि उनकी जगह ये ले रहे हैं, पेड़ हटा दे रहे हैं, प्रकृति में दखल कर रहे हैं, तो ये सब बातें वो बनती चली गई।
आपके इस उपन्यास में लेखकों के भी यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों के हैं, दोनों के लेखक भी पात्र के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, कई बार कृष्णा सूक्ति भी हैं, विष्णु सहनी भी हैं, इंतजार हुसैन भी हैं, यहाँ तक कि कुछ कैरेक्टर भी हैं, टोबा टेक सिंह भी है मंटो का जो है, ये जो लेखकों को चरित्र बना करके वो भी वो जो नैरेटिव स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, कि इसके पीछे कोई योजना थी सहज रूप से आगे, या आप जो समकालीन लेखन समुदाय है खासकर के हिंदी और उर्दू का, उससे आपके जो इंटरेक्शन रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती थी, क्या था? कुछ नहीं, आप ये सवाल तो आप अब कहीं फेंक ही दीजिए कि ये कोई पूर्व योजना थी या सहज, सब सहज तरह से आए। पूर्व योजना से मैं कोई चीज़ लाऊंगी तो मेरे लिए वो बात बनेगी, मैं कोई भी चीज़ पूर्व योजना से नहीं लाती हूँ, एक बड़ी चिंता बस हो सकती है। तो मैंने कहा कि इसका चरित्र आज़ादी बन गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ ये जाएगी, तो ये जानवरों से भी मिल सकती है, कबों से भी मिल सकती है, सरहदें पार कर सकती है, जो सरहद पार करती है उससे इसकी दोस्ती हो सकती है, जो अपने शरीर की भी सरहद पार करती है उससे इसकी दोस्ती हो सकती है, वो हिंदुस्तान का की सरहद तो फिर ज़रूर ही करेगी मेरे हिसाब से, फिर वो निहित था इसमें अपने आप कि भाई जब वो हर सरहद पार कर रही है तो ये सरहद कैसे नहीं पार कर रही, तो वो भी कहानी में आ गया। पर ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझको एक पार्टीशन वाला अंश इसमें लाना है, वो आया। और फिर उसकी जितनी बेवकूफ़ियाँ हैं कि दोनों एक से लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं, चाचा इधर हैं और मामा उधर हैं और नाम इधर बदल दिया है और आधे इधर हो गए आधे उधर, वो सारी जितनी भी इंसान की बेवकूफ़ियाँ हैं वो सब चीज़ें फिर उसमें आती चली गई। तो ये इस पर देखिए, मुझे दूसरी किताब का एक प्रसंग याद आ रहा है, खाली जगह। तो वो फिर देखिए याद आ रहा है, एक पेरिस में रेजिडेंसी में मैं एकदम अकेली फिर पेरिस में रह रही थी, जिस समय पेरिस में उन दिनों छुट्टी थी यूनिवर्सिटी वगैरह की, तो मेरे जो जानने वाले थे लगभग कोई था ही नहीं एक दो महीने के, हाँ, तो मैं एकदम विदेशियों के बीच, लेकिन बीच पेरिस शहर में एक कमरा और एक बाथरूम में छोटा सा किचनेट बस वो इतना इस रेजिडेंसी में मुझको मिला था, तो मैं वहाँ रह रही थी। और मैंने इसका, वैसे तो मैं बहुत ड्राफ्ट्स लिखती हूँ, 4-5 तो मैं लिखती हूँ, तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने कौन सा ड्राफ्ट उस समय में लिख रही थी, पर काफ़ी वो मुकम्मल होने की तरफ था, चौथा पाँचवा ड्राफ्ट रहा होगा, तो मैंने वहाँ पर लिखा। फिर जो भी जब मेरी वो रेजिडेंसी ख़त्म हो रही थी, उस समय जो भी दो तीन कुछ दोस्त वोस्त थे उन्होंने आना वापस लौटना शुरू किया, और तब मैंने अपनी एक वहाँ जो दोस्त थी उसको पढ़कर कुछ हिस्से मैंने पढ़ के या बताया उसके बारे में अंग्रेज़ी में, क्योंकि वो हिंदी तो नहीं जानती थी, तो अंग्रेज़ी में मैंने उसको बताया। तो आपने तो पढ़ा है तो आपको याद होगा कि उसमें ये एक सीन आता है जिसमें कि वो उस लड़की को, लड़की से जो उससे बड़ी है, उस लड़की से जो भी इनका प्रेम प्रसंग या लव मेकिंग सीन जो है वो शीशे में उसको छूता है, पता नहीं आपको याद है? नहीं याद आ रहा। तो वो उसमें वो शीशे में उसको छूता है, वो शीशे के आगे बैठी है, वो नहा कर निकली है और ऐसा कुछ कपड़ा पहनी है जो कि ढलक जाएगा, और वो कमरे में आ जाता है पर वो उसको नहीं छूता है, वो शीशे में उसको, उसके बदन को, और धीरे धीरे उंगली से ऐसे करते हुए उसको प्यार करता है। तो ये पूरा सीन ये है। तो मैंने उससे कहा, जिसको मैं पढ़ के सुना रही थी, मैंने कहा कि पता नहीं मुझे क्यों ये मतलब इस तरह से आया मेरे मन में कि वो उसको नहीं छूता है, वो बस शीशे में उसके अक्स को छूता है। तो उसने मुझे जवाब दिया, उसने कहा कि वो पूरा जो पात्र है, वो जो कैरेक्टर है इसका, वो तो खुद ही नहीं जानता उसके वो असल है कि नकल है। हाँ, तो वो असल एक फिज़िकल टच उसका कैसे हो सकता है, तो उसका तो ये भी असल नहीं होगा, ये भी किसी ऐसे कि कुछ एंगल से ही बस उसने अक्स को ही छुआ। और ये बात मुझे बड़ी समझ में आई, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था चेतन मन से, पर मुझे लगा कि ज़रूर मुझे भी मेरा
मन कहीं ना कहीं गाइड कर रहा होगा कि जिसको जिसको ये नहीं मालूम कि ये अम्मा जब मुझे प्यार कर रही है तो मुझे प्यार कर रही है, या अपने खोए बेटे जिसकी जगह वो मुझे ले आई है, या बाप जब मुझसे मतलब जितने भी उसमें है ना, कि वो उसको कभी भी ये विश्वास नहीं है कि उसी की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि वो किसी की जगह आया है, जो बम में बम ब्लास्ट में जो मर गया था उस बेटे की जगह वो आ गया है। तो उसको हमेशा है कि मैं तो जैसे बस इन सब की सिर्फ कल्पना और इनकी एक क्षति की जगह इन्होंने वो पूरी करने को इन्होंने मुझे रख दिया है। तो जिसका कुछ भी असल नहीं है वो असली में कैसे छू सकता है। तो मुझे ये बात बहुत समझ भी आई, अच्छी भी लगी, और उसका देखिए कि किताब का अपना डायनामिक और लॉजिक है कि वो मुझे गाइड करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी जो कुछ भी होता चला गया है वो उसके अपने डायनामिक से वो जैसे बनती गई है वो ही निर्धारित करता रहा कि अब तो ये हो सकता है। और जगह जगह ये सब जीवों का और सबका आना, ये अलग किस्से को कहीं भी उठाकर फिर उस थोड़े से किस्से को वो आगे बढ़ा ले जाते, कहीं ना कहीं ये भी मुझको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि ये हर चीज़ कैसे जुड़ी हुई है कि हम किसी भी अलग उसमें नहीं बैठे हुए हैं कि बस जो हो रहा है वो हमें ही हो रहा है, वो हर चीज़ जुड़ी हुई है। अब इसमें जिनको हम जीवित मान रहे हैं वो भी, और जो जीवित नहीं है वो भी जुड़ी हुई है। पर ये सड़क जो है खैबर क्या कौन सी सड़क थी, वो ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ग्रैंड ट्रंक रोड कब से शेरशाह के समय से क्या क्या नहीं उसने इतिहास देखा है। तो आप उस सड़क पे चल रहे हैं तो ये सड़क आपके लिए बस एक मामूली सड़क नहीं है, इस सड़क ने तो कितना इतिहास सहा है। तो वो सड़क भी जीवित कुछ हो गई, इस तरह से ये बनता चला है। अच्छा, एक और इसमें सवाल है कि ये जो इसमें अम्मा है या चंद प्रभा देवी या चंदा जो भी कह लीजिए, तीनों नाम है, तीनों संबोधन है उसमें, ये जब वहाँ पाकिस्तान जाती है तो वहाँ वो चाहती है गोली उसको मारी जाए और छाती में गोली लगे, और उसका भी बड़ा वहाँ भी पीठ का और पेट को सीने का एक ये है, तो ये जक्सा पोजीशन है, जक्सा पोजीशन कह रही है जो भी कह लीजिए, ये कैरेक्टर का अपना जो भी ग्रोथ हुआ हो, भले आपने सुचिंतित तरीके से न किया हो, भले स्वराचार में विकसित हुआ हो, लेकिन ये उभरते हुए कुछ आपके दिमाग में जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं तो क्या था ऐसा कैरेक्टर का कि वो देखिए, मैं किस वक्त ये ऐसा हो गया मैं नहीं आपको बता पाऊँगी, लेकिन जो कैरेक्टर शुरू में बिल्कुल एक घरेलू दादी बस लग रही है और अशक्त बूढ़ी महिला लग रही है, वो कैरेक्टर होते होते बिल्कुल एक आइकॉन जैसी बन जाती है, और उसमें इतनी ताकत है। और गोली वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चाहती है कि गोली लगे, पर उसको ये एहसास है कि गोली लग सकती है। हम जिस जगह पर हैं और जिन स्थितियों में हम हैं, इसमें गोली लग सकती है, और ऐसी औरत कभी भी मुंह के बल नहीं गिरना चाहेगी। उसमें अब वो एकदम शान से खड़ी है, उसको छोटी सी औरत है, लेकिन जब वो खड़ी होती है तो उसका सर जैसे कि आसमान तक पहुंच जाता है, उसमें डर नहीं अब बचा है। वो जो है और उसने कहा मुझे मत बताओ सरहद क्या होती है, मुझे मत बताओ ये दो देश, जबकि तुम नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ, ये अलग अलग नहीं है, इस तरह की बात है। तो अब उसमें जो एक आत्मसम्मान भी है और आत्मज्ञान भी है और जो ताकत है और जो उसने इतिहास जाना है, उसमें वो कभी भी मुंह के बल उसको एक वो होगा कि मैं किस में शान से मरूंगी। तो शान से मरने में ये ज़रूरी है कि वो ऐसे, तो ये भी अब होते होते ये बना। और मैंने ये सुना था किसी के बारे में, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ, अब मुझे नाम नहीं याद है, कोई इधर या तो वियतनाम या साउथ ईस्ट एशिया के किसी
पॉलिटिशियन के बारे में शायद सुना था कि जब उनके गोली लगी तो वो जतन करके वो ऐसे वो अपने पेट के बल पे ना गिर के ऐसे गिरे थे, तो वो कहीं से याद आया मुझे। और इसके पूरे इस चरित्र से, एक घरेलू सी औरत से एक इतिहास का बिल्कुल एक आइकॉन बन जाना, उससे जुड़ा। और फिर थोड़ा उसमें मजाक आ गया कि हिचकी कि वो प्रैक्टिस कर रही है, वो इसका शुरू से रिहर्सल चाह रही है कि गोली जिधर से भी आए मुझ में ये क्षमता हो कि मैं इस तरह से गिरूं कि मैं बिल्कुल शांत से बैठी हूँ। इस तरह से वो बातें जुड़ गई बस। अच्छा, जैसा मैंने शुरू में कहा था, और मुझे एक बड़ा बहुत ये इसका जिसको कहते हैं ये सारा प्रसंग बहुत अच्छा लगा, और मैं उस पर काफ़ी हूँ कि जिससे मरीचिका वाली बात, आपने मरीचिका को इसमें कहा है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिसको हम छलावा मानते रहो छलावा भी हो, कहीं उसमें भी एक रियलिटी होती है, उसमें भी एक विजडम होता है, उसमें भी एक सौंदर्य होता है। तो इसको मैं एक एस्थेटिक विजडम कहूँगा अपनी तरफ से, आप पता नहीं क्या कहेंगे इसको, पर ये जो एस्थेटिक विजडम आता है जब आप पूरे जिन चीज़ों को या जिन प्रक्रियाओं को आत्म देखते रहे हैं परंपरा की वजह से या एक इतिहास की वजह से, उससे बियॉन्ड जाती है। ये कैसे डेवलप हुआ, मतलब ये भी लिखने की प्रक्रिया में विकसित हुआ या कहीं आपके भीतर कोई प्रक्रिया पहले से चल रही थी जिसकी वजह से? देखिए, ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर ये है ही कि खाली कुछ नहीं होता है। और हम लोगों को ये एक बीमारी है कि जब तक खूब सारी चीज़ें दिखाई ना पड़े तो हमको वो लगता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। और शायद ये मेरे थिएटर बैकग्राउंड का भी हिस्सा है, जो मेरा थिएटर बैकग्राउंड तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ थिएटर वालों से जो मेरी थोड़ा रابطہ बना है, तो ये हमेशा मैं सुनती रही देखती रही कि मंच को कितना खाली छोड़ा जाए, या ये कि मंच पे या चित्र में कि जो आकार है वही कैनवस नहीं बना रहा, जो छूटा हुआ हिस्सा है वो भी कैनवस को बना रहा है। हमारी आदत है, हम सिर्फ आकार को देखते हैं, आकृति को देखते हैं, हम नहीं देखते हैं जो छूटा हुआ आकार, नहीं आकृति कहना चाहिए। तो आकृति से ही नहीं वो बन रहा है, वो जो खाली आकार छूटा हुआ है उससे भी वो पूरा एक कोई चीज़ बन रही है, कुछ आकार बन रहा है। तो चाहे चित्र हो, उसमें मैंने इस बात को समझा, और मंच पे कि मंच पे कुछ नहीं का क्या मतलब है, मंच पे हर चीज़ अगर कोई एक नई चीज़ नहीं कर रही तो मतलब कि आप बस भीड़ कर रहे हैं। अगर आप मुझे कोई उदाहरण नहीं सूझ रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ को आप अगर इंगित करना चाहते हैं तो आपको क्या उस तरह की पांच चीज़ें देनी ज़रूरी हैं जो पांचों वही एक चीज़ को इंगित कर रही हैं? शायद नहीं। आप एक चीज़ दें तो भी वो उतना ही कहेगा और शायद बेहतर तरह से कहेगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं शायद बातें इस तरह की मैं सुनती रही हूँ, तो मेरे लिए खाली जगह तो खाली कभी थी ही नहीं, ना इसके साथ ना इसके पहले। खाली जगह में सब कुछ होता है। तो फिर ये एक रेगिस्तान, मरीचिका, ये सब खाली तो है ही नहीं, और कहाँ कहाँ आकृतियाँ हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ भी है। ये मैं मेरे पिछले वर्षों मेरे लेखकीय जद्दोजहद का हिस्सा रहा है कि जो हम कह रहे हैं क्या सिर्फ हमारे मुखर कहे में है कि या हम जहाँ छोड़ दे रहे हैं, और थिएटर से भी जुड़ता है कि आप कहाँ पे उसको कट कर देते हैं, तो कट करने में वो गूंज पैदा होती है। अगर आप ना कट करें, आपको आप उस तरह का कट उसमें नहीं डालेंगे तो वो चीज़, और पूरा उसको पूरा ऐसे कह के विराम लगा देंगे तो बात सपाट हो जाएगी। लेकिन आप कुछ उसको ऐसी जगह पर अगर रोक देंगे जहाँ पर कि जो नहीं कहा है वो अनकहा बोलता है, तो वो गूंज आएगी और वो बात दूसरी तरह से जीवंत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरे तरह तरह के जो एक्सपोजर्स हुए उसमें मैंने ये इस चीज़
को ये मेरे अंदर कुछ पनपता रहा और कोई उसको तराशता रहा और वो रेत समाधि में भी आया। अच्छा ये बताइए, एक और जो आखिरी सवाल है इस बातचीत का, अगर कोई और सवाल मेरे दिमाग में पैदा ना हो, कि आपके लेखन में एक वर्णन में बड़ा गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वो सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है जो पहले जो सेंस ऑफ ह्यूमर का जो स्टॉक कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं है, वो एक अलग तरीके से आता है और कई प्रसंगों में आता है। खुद इसमें जो माँ जब गायब होती है तो उसके में भी जो खोज जारी है तो उसमें भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जब बेटी के पास पहुँच जाती है तो वहाँ भी है, और भी कई सारे प्रसंग हैं। वो पाकिस्तान जब फिर लौट के जाती है तो वहाँ भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो आपके गद्य में एक अलग तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये आपने ये जो हर जो एलिमेंट होता है कहीं ना कहीं एक लेखक या की अपनी एक मिजाज के अनुसार तो विकसित होता है, तो ये इसकी कहानी क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कैसे आया, क्योंकि ये तो ह्यूमर तो हम सबके लाइफ में है पर उस ह्यूमर को सब लोग दिखा नहीं पाते हैं। ये कैसे आया, कहाँ से आया, या ये इसकी क्या कहानी है? रविंद्र, अगर ऐसा है और आपको आपको ऐसा लगा और आपको उसमें मज़ा आया तो मुझे बहुत ही खुशी है, और मुझे थोड़ा सा अपने को लेकर एक तरह से सोचे कि अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा कर पाएंगी। अब ह्यूमर कहाँ से आया, तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि मेरे जीवन दृष्टि में ह्यूमर है। मुझे शायद ये चीज़ परेशान करती है कि लोग अपने को बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत मतलब ऐसे गुरु गंभीर होते हैं अपने बारे में, जो कुछ वो करते हैं उसके बारे में, जीवन के बारे में, मतलब मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो मान लो कि हम कुछ नहीं हैं, और हम हैं तो करोड़ों और भी हैं। तो एक तो उसका भी हिस्सा है ये कि थोड़ा सा हंसो, दूसरा शायद लेखक शायद ढूंढती है वो रास्ते जिसमें कि बात जो है सिर्फ एक गंभीर मुखौटे में बात ख़त्म हो जाती है, तो हमेशा उस पर अगर आप थोड़ा कोई और, मतलब आपकी चाल जब तक थोड़ी सी शायद क्या बोलते हैं उसको तिड़भिंगी, कि उस चाल से कभी कभी चीज़ दिखाई पड़ने लगती है। और तो ये पाठक के लिए नहीं, अपने लिए भी, अपने लिए भी आपको थोड़ा दूसरी तरह से जाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं। मैं कोशिश नहीं कर रही होती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लिखूँ, लेकिन छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ों के प्रतिबिंब होते ही हैं, या बड़ी चीज़ों में छोटी चीज़ों में जो भी है उनमें वो गुत्थम गुत्था है। तो अपने आप जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, मुझे हिंदी का शब्द नहीं आ रहा है, पर मंडेन में ही एपिक होता है। कि एक औरत झाड़ू लगाए, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, नहीं कि एक औरत अगर बिल्कुल एक घरेलू औरत, वो सुबह हुई, सूरज उग रहा है और उसने झाड़ू उठाया और वो झाड़ू लगाने लगी, तो ये देखने में तो बहुत ही रोज़मर्रा के बहुत ही मतलब इतनी मामूली सी क्रिया दिखती है, लेकिन ये तो इसमें तो सदियां बोलती हैं, इसमें न जाने क्या क्या उसका अंतर्मन बोलता है, इसमें मतलब इसमें एपिक है, इसमें महाकाव्य है, इसमें चिरंतन है। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक भाव कि चीज़ें तो वही हैं लेकिन हम देख नहीं रहे, हम उनको बहुत ही साधारण समझ रहे हैं, देखने योग्य ही नहीं मान रहे हैं, तो उसको कैसे देखा जाए। तो उस देखने के लिए कभी कभी थोड़ा सा किसी और हम एंगल पे खड़े हो जाएं या किसी और ढब में आ जाएं तो चीज़ दिखने लगती है। तो शायद मेरे लिए ह्यूमर इसलिए भी आता है। तो ये दो बातें मुझे अभी सूझ रही हैं, एक तो मैं इतनी ज़्यादा घोर गंभीर ना अपने बारे में होना चाहती हूँ और ना किसी और हैं, मैं ये नहीं कहूँगी भाई जो हुआ है हमारे यहाँ, जो ये सारे माइग्रेंट्स उनके साथ जो हुआ है, जो इस कोविड ने कितने लोगों को किस तरह से बर्बाद किया है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे
उसके बारे में मजाक बनाना है, इसीलिए मैं शायद उसके बारे में जल्दी लिख भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे वो सही टोन नहीं मिलेगा कि मैं कैसे उस बात का बयान करूँ उसको बिना हल्का किए। और आप झूठ मूठ बहुत ज़्यादा देखिए, आवाज़ अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंट बना लेना तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट होते हैं, विषय नहीं होता है। तो ये भी है कि आपको आप नहीं उसमें जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं ये बात नहीं कर पाऊँगी। ये नहीं कि मुझे इसको, या जो यूक्रेन में हो रहा है, मतलब मैं वो तस्वीरें देखती हूँ, मुझे कुछ होता है, मैं मेरे कुछ इत्तेफाक से कुछ दोस्त भी हैं जो रूस में हैं, और इसमें मेरा एक रिश्तेदार है, उसने एक यूक्रेनियन से शादी करी है, मेरा भतीजा है, लंदन में रहता है, और एक मेरी हंगेरियन मित्र हैं, अभी 2-3 दिन पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि पता नहीं, मतलब मैं तो, वो तो मेरी उम्र की हैं, तो उन्होंने सोवियत यूनियन भी जाना था, तो बोले कि हम लोग तो, मतलब वो सब जगह मेरे लिए मतलब रखती हैं, और हमारे आधे लोग उधर हैं, हमारे आधे लोग इधर हैं, हर समय हम ये चीज़ें सुनते रहते हैं। तो उसके बारे में मैं, उसके बारे में मजाक नहीं कर सकती, लेकिन कुछ और चीज़ें, इसके बारे में शायद मुझे आसान समझ में नहीं आएगा, अभी शायद कभी आ जाए कि कौन से टोन से कि ये बात उजागर हो इस तो ह्यूमर में भी सोशल क्रिटिसिज्म और होता है। हाँ बिल्कुल, और ह्यूमर में भी एक तरह का, मतलब आप दूसरे को बेइज्जत नहीं कर रहे, वो मंशा नहीं है, आप बेइज्जत नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से उस प्यार कर रहे हैं, तो वो वाला ह्यूमर शायद मेरे लेखन या मेरी लेखक प्रकृति का हिस्सा बनती चली गई। अच्छा एक बात और, ये जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था और मैंने इस पर लिखा भी है कि आपके यहाँ गद्य में कविता इस तरह विन्यस्त है जो बहुत कम हिंदी लेखकों में, हालांकि कई लोगों में आया है पर अलग तरीके से आया है, आपने अलग तरीके से आया है कर, तो आप कविता पढ़ती हैं या आप भाषा में वो जो काव्यात्मकता है उसकी तलाश करती हैं, कैसे होता है ऐसा? मैं फिर सबसे पहले कहूँगी कि रविंद्र, मुझे बहुत खुशी है अगर ऐसा है मेरे काम में, तो मुझको बहुत खुशी है कि ऐसा मैं कर पाई हूँ। अब कहाँ से ये आया है, इस बात का मुझे बहुत दुख भी है, थोड़ी शर्म भी आती है कि मैंने इतनी ज़्यादा कविता नहीं पढ़ी है, थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन बहुत ही बेतरतीब। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो सब लोग पढ़ते थे, पाब्लो नेरुदा, लॉर्का, ये वो, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ते थे, फिर जब मैंने हिंदी में तय कर लिया कि हिंदी में जाना है तो थोड़ा हिंदी का भी कोशिश करती रही, लेकिन मतलब कुंवर जी वगैरह और शमशेर और ये क्या नाम है उनका, अगे, ये सब, मतलब हमने ज़रूर, मैंने भी थोड़ी कोशिश की और कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी भी लगी, मगर बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ कविता के बारे में। और बड़ी अजीब चीज़ मुझे लगती है कि शायद दुनिया में लगता है मुझे अकेली मैं लिखने वाली हूँ जिसने कभी कविता लिखी क्योंकि हमेशा होता है कि भाई उन्होंने, हम 15-16 के थे तो हमने कोई लव पोइम लिखी, कुछ करा, मैंने कभी कविता लिखी ही नहीं, तो क्यों, मुझे कविता समझ ही नहीं आती कहाँ शुरू करते हैं कहाँ वो, तो और इसके बाद मेरा अगर गद्य काव्यात्मक होता गया है तो कुछ नहीं, वो इसी उपन्यास में नहीं है, वो दूसरे आपकी रचनाओं में, कहानियों में भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें, शायद दो चीज़ों के कारण मैं सोच पा रही हूँ इस समय, और हों तो शायद आप बेहतर बता पाएंगे। एक तो ध्वनि, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ध्वनि के प्रति बहुत कुछ सजग रही हूँ, या ध्वनि का मुझे मज़ा मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैं लिखती लिख के कभी कभी ज़ोर से भी पढ़ती हूँ, या अगर नहीं भी ज़ोर से पढ़ रही हूँ तो मन में ज़ोर से पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो मुझे उसकी जो ध्वनि है वो कुछ करती है, तो शायद एक तो इसी में बात बनेगी कि फिर आपको, जैसे सुधीर से मेरा अक्सर कोई झगड़ा होने लगता है कि मैं कहती हूँ कोई चीज़ अगर रिसाइट करता है, मैं कहती हूँ यार वज़न गलत है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम गलत बोल रहे हो, कहता नहीं यही है, तो कभी कभी वो सही भी होता है, मैं ही गलत होती हूँ, पर अक्सर ये बात मुझको परेशान करती है कि
कुछ समझ में आती है, मेरे भीतर कोई एक संतुलन इस तरह का होते होते बना है कि मैं समझ पा रही हूँ कि वजन इसलिए आया है कि मेरे ऊपर उसका वो पारंपरिक शिक्षा का एक बोझ मेरे पे नहीं पड़ा, वो एक नुकसान जो मेरे थोड़े से फायदे में गया है। बातचीत को यही विराम दे देता हूँ, लेकिन एक बात आपकी बात से मुझे एक और बात याद हो गई और फ्लावेयर के बारे में। वो बोर्खेस ने लिखा है कि वो अब एक वाक्य लिखने के बाद पूरा पढ़ता था उसको, जब पढ़ लेता था कि हाँ पढ़ने में सही आ रहा है तब अगला वाक्य लिखता था। हाँ बिल्कुल, वो वजन वजन बहुत जरूरी होता है कि वो वजन सही पढ़ रहा है कि नहीं। मैं तो अब पीछे जब जाकर पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो और भी इसमें काट छाँट करूँ, लेकिन ठीक है जो हो गया वो तो हो गया होता है। चलिए गीतांजलि जी, हमारे बहुत अच्छी बातचीत रही और मुझे लगता है हंस के पाठक इस बातचीत को पढ़ने के बाद आपके लेखन के बारे में, आपके रचनात्मक व्यक्तित्व के बारे में और ज़्यादा समझेंगे और खुद उनकी जो है साहित्य के बारे में और उपन्यास साहित्य के बारे में, समकालीन समय के बारे में उनकी समझ नए तरीके से विकसित होगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया रविंद्र। पर इतना मैं भी कह दूं कि इस बातचीत के बाद शायद मैं भी अपने लेखन को बेहतर समझूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।